हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता किचन में। तो आज हम लेके आए हैं मलाई से आसान तरीके से घी निकालने की रेसिपी, जो कि आज तक आपने इस तरीके से कभी नहीं देखे होंगे। सिर्फ 10 मिनट में, वो भी 2 कटोरी मलाई से कम आधा लीटर से ज्यादा घी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी मलाई लिए हैं और इस मलाई को हम ट्रांसफर कर लेंगे एक कढ़ाई में। आप चाहे तो यहाँ पे बड़ी वाली परात का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों कटोरी मलाई को ना निकाल लेते हैं कढ़ाई में। तो हम कटोरियों को साफ करते हुए अच्छे से मलाई निकाल लेते हैं, ताकि मलाई जो है ना वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे हम ले लिए गिलास और कटोरी। तो सबके घर में ये तो दोनों चीज होते ही होंगे। तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई एक चीज का इस्तेमाल करके यहाँ पे मलाई से बहुत ही आसान तरीके से मक्खन निकाल सकते हैं। तो कटोरियों को इस तरीके से घुमाते हुए 3 मिनट, यानी कि लगातार घुमा लेना है। 3 से 4 मिनट तो मक्खन बन के तैयार होगा। आप चाहे तो यहाँ पे गिलास का इस्तेमाल करके इस तरीके से घुमाना है 3 से 4 मिनट के लिए, तो मक्खन तैयार होगा। तो सबसे आसान तरीका होता है गिलास से, कटोरी से अच्छा होता है गिलास से। लगातार हम यहाँ पे 3 मिनट के लिए चलाए हैं और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मक्खन तैयार हुआ है मलाई से। इसमें देखिए अलग से चमक आ गई है। अब जैसे इसमें हम पानी डालेंगे ना, तो सारा मक्खन ऊपर आ जाएगी। हमें यहाँ पे ना नॉर्मल मलाई का इस्तेमाल किए हैं, फ्रिज में नहीं रखा हुआ था ना, ठंडा नहीं था बिल्कुल भी। अगर आप फ्रिज से निकाल के ले रहे ना, तो एकदम जुड़ जाएगी एक दूसरे के से, एक दूसरे में जुड़ जाएगी। और जैसे हम पानी डालेंगे ना, तो यहाँ पे हम नॉर्मल मलाई ले रहे हैं ना, तो ठंडा पानी का आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ठंडा पानी लिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम पानी डाल देंगे। और जो गिलास में लगा हुआ मक्खन है ना, इसको हम साफ करके निकाल लेते हैं, ताकि जो मक्खन हमारा वेस्ट ना हो। अब ये देखिए ना, हम एक बार हाथ घुमाएंगे ना कढ़ाई में, तो देखिएगा सारा मक्खन ना ऊपर आ जाएगी। अगर आप ठंडा मलाई का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको ठंडा पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये देखिए सारा मक्खन ना ऊपर आ गया ना। अब इस मक्खन को हम छान के निकाल लेते हैं। तो हम हाथ से छानेंगे, आप चाहे तो बड़ी वाली छन्नी का इस्तेमाल करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हाथ से इस तरीके से दबाते हुए हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने पहले बड़े वाले बड़े बड़े लड्डू बना लेते हैं मक्खन से। देखिए कितना बढ़िया मक्खन तैयार हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ना आसान तरीका मिल गया है मक्खन निकालने का। अगर मक्खन निकाल लेंगे तो घी तो बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। हम यहाँ पे ना मक्खन को सारे को छान के निकाल लिए हैं पानी निचोड़ते हुए। अब जो ये बची हुई दूध है ना, इसको आप कढ़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं या दही में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो इसको लस्सी बोला जाता है, बहुत जगह दूध बोला जाता है, तो मैं सोचा आपको दूध ही बता दूं। अब यहाँ पे हम गैस चालू कर लिए, इसके ऊपर रख दिए हैं। इसे 5 से 6 मिनट लगेगा पकाने में, घी बनाने में। तो अगर कम ले रहे तो कम टाइम में बन जाएगी, और ज़्यादा ले रहे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हम अभी हाई फ्लेम पे ही रखे इसको, हमें लगातार ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी चलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए धीरे धीरे ना पिघलना शुरू हो गया है। तो हमें यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से हो जाए ना, तो एक बार हम चला लेंगे इसको, ताकि नीचे से चिपके ना, क्योंकि यहाँ पे जो चूरन बचते हैं ना, या कि मावा, जैसे कि बचते हैं ना मावा, तो हमें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बर्फी बनाने में या लड्डू बनाने में। तो इसलिए हमें इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम बीच बीच में इसके चलाते हुए पका रहे हैं, घी बना रहे हैं, ताकि नीचे से लगे ना। अगर आपको इस्तेमाल ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी ना चलाएं, तो बहुत ही जल्दी और बन के तैयार होगा घी। तो लगातार चलाते हुए में कुछ इस तरीके से हो गया ना। आप गैस को मीडियम कर लेना है और इसे में 2 मिनट के लिए और छोड़ देना है। तो 2 मिनट के बाद देखिए कितना बढ़िया, कितना ज़्यादा घी बन के हमारा तैयार हुआ है। और घी तैयार है, गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे घी अच्छे से ठंडा हो जाए, तो हम यहाँ पे छान के निकाल लेते हैं। तो जब भी घी छाने ना, तो छोटी छन्नी का इस्तेमाल करें। बड़ी छन्नी का करेंगे ना, यहाँ पे जो चूरन है ना, ये घी में थोड़ी बहुत चले जाएगी, क्योंकि इसमें छेद थोड़ा बड़ा साइज का रहता है। अब ये जो चूरन बच रहा है ना, इस चूरन से हमें घी निचोड़ निचोड़ के अभी निकाल लेना है। देखिए चूरन हमारा एकदम फ्रेश है, बिल्कुल भी जला नहीं है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम चलाए थे बीच बीच में। अब इसे हमें हाथ से निचोड़ते हुए निकाल लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे छन्नी, बड़ी वाली छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं ना बहुत ज़्यादा बर्तन गंदा ना हो, इसलिए
तो इस तरीके से दबा दबा के हम पहले घी निकाल लेते हैं चूरन से। तो जितना हम कटोरी में अभी घी निकाले हैं ना, उतना घी अभी हमारे इसमें पेन में है, इसको भी हम छान के निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, देसी घी एकदम घर का बना हुआ घी, और आसान तरीका सिर्फ 10 मिनट में, और ये कम से कम आधा लीटर से तो ज्यादा घी बन के देखिए तैयार होगा ही। आप भी कमेंट करके हमें बताइएगा आपको क्या लग रहा है कितना होगा घी। तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी और घर पे घी बनाए, वो भी देसी शुद्ध घी, कोई मिलावट ना हो, इसको बच्चे बड़े सभी को खिलाए। और ये जो मावा बचते हैं ना, इसको आप बर्फी बना के खा सकते हैं या लड्डू बना के खा सकते हैं। तो आप जैसे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल हम इसका चटनी बना के खाएंगे रोटी के साथ, बड़ा मजा आता है खाने में। और ये घी बन के तैयार है। अगर हमारी रेसिपी घी बनाने की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए सबको दिस थैंक यू।